वेलकम टू माय चैनल मैजा व्लॉग्स। हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं फिश करी, जो साउथ इंडियंस का फेमस डिश है विद द रेडी चेपल पुलिसो। हम वही ट्राई करने जा रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना और लाइक भी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमने ले लेनी है एक कढ़ाई, इसमें डालना है कुमिन सीड्स यानी कि जीरा, और डालना है थोड़ी सी मेथी। मेथी डालने के बाद हमें थोड़ा सा इसे पैन के ऊपर हीट कर लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हीट करने के। और हमें ले लेना है इमली। इमली अच्छे से पानी में भिगो के रखना चाहिए, जब तक बाकी का प्रोसेस हम देखते हैं। दोस्तों हमें ले लेना है एक मिक्सी जार, इसमें ऐड करना है कच्चा खोपरा और हल्दी और धनिया पाउडर, और हमें रेड चिल्ली पाउडर भी इसमें ऐड कर लेना चाहिए, और थोड़ा सा साल्ट भी ऐड करना चाहिए। मेरी बेटी सो गई है इसलिए हमने जार बाहर रखा है मिक्स करने के लिए ग्राइंडर। अभी इसमें हमें जो भून के रखा था वो इसमें ऐड कर लेना चाहिए, मेथी और जीरा जिस कढ़ाई में हमने भून के रखा था वो लेके इसमें ऐड करके अच्छा से मिक्सचर करना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हो इसमें पार्टिकल्स छोटे छोटे हो गए हैं। इसमें डालना है एक ग्लास, पूरा पानी जाएगा इसमें। अच्छा से सुनो दोस्तों, एक ग्लास पानी डालने के बाद फिर से इसको ग्राइंड करके अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, यानी कि थिक पेस्ट। थिक पेस्ट बनाने के बाद जो अम्ली हमने भिगो के रखा था पानी में उसको अच्छा क्रश करना चाहिए ताकि उसका खट्टा निकले। और हमें लेना है वेजिटेबल्स, 3 टमाटर और 1 आनियन। आनियन देना है फ्राई के लिए। और इसमें हमने ले लिया है एक पैन, जो ये मच्छी के लिए एक्स्पेशली होता है। हमने ले लिया है ए पैन। पैन के अंदर आपको जाएगा 100 ml ऑयल, जो हमें आनियन फ्राई करने के लिए होता है। हमने ले लिया आनियन स्लाइसेस। आप देख सकते हो इसको अच्छा सा इसको ब्राउन करना है। और हमें ले लेनी है 3 टमाटर और उसके स्लाइसेस बनाना है। और देखो आपको ब्राउन होना चाहिए, पूरा का पूरा आनियन है ना, आपको ब्राउन होना चाहिए। इधर आप देख सकते हो मैंने मिक्सी में जो जार में हमने मसाला, तो दोस्तों जो जार में हमने मसाला बना के रखा था वो मसाला इसमें ऐड करना है। और इसमें से एक ग्लास पानी डाल के सारा मसाला इसमें से अच्छा मिक्स करके इसको मसाले को भी तेल में फ्राई करना है। आप देख सकते हो हमारा मसाला बन गया है। अच्छे से रेडी होने के बाद हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए अब धीरे धीरे देखते जाओ, ताकि आप पूरा वीडियो देख सके। हमें टमाटो के स्लाइसेस जो है ना, जो 3 टमाटो हमने लिया है उसके स्लाइसेस बना के इसमें ऐड करना है, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से बने। आप देख सकते हो इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें डालना है कोरिएंडर के लीव्स, जो इसमें हमने थोड़े से लिए हैं, इसको चॉप करके हमें करी में डालना है। इससे हमें अच्छी स्मेल भी आएगी और हमें अच्छी टेस्ट भी लगेगा। और आपके पास अगर करी लीव्स है यानी करी पात, आप 10-15 करी पाक इसमें ऐड कर सकते हो करी लीव्स। और हमें मच्छी जो धो के रखा है उसमें से सारा हमने क्लीन कर दिया है पहले से ही। आप देख सकते हो इसमें थोड़ा पानी अभी निकला है, वो पानी को हमें फेंक देनी चाहिए और हमें फ्रेश वाटर से फिर और एक मरतबा इसको धो लेने चाहिए। आफ्टर वॉश आप देख सकते हो फिर हमारी करी भी बन गई है। इतने में ही हमें जो इमली भिगो के रखा था स्टार्टिंग में उसका सारा का पानी इसमें निचोड़ लेना चाहिए। इसमें पूरा पानी डालने के बाद हमें 10 मिनट्स के लिए इसको पकने देना है। जब हमें ये करी बन जाएगी तो ऐसा दिखेगी। उसके बाद में हमें थोड़ा साल्ट और थोड़ा चिल्ली पाउडर और थोड़ा जिंजर पाउडर, और आपको अच्छा लगे तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हो, ब्लैक पेपर पाउडर और कुमिन पाउडर या जीरा बुकनी आप इसमें, और एक ग्लास वाटर भी ऐड कर दो। हमारा राइस भी बन गया है। आप देख सकते हो करी भी बन के रेडी हो रही है, हमारी ग्रेवी भी अच्छे से बन गई है। आप देख सकते हो उसके बाद इसमें आपको फिश ऐड कर देना चाहिए, जो मच्छी हमने धो के रखी थी। हल्का से इसको मिलाना नहीं है, बस इसको डाल के बस इसके ऊपर टैप कर देना चाहिए ताकि ये अच्छे से पके। अगर आप इसको ज़्यादा मिक्स करते हो तो मच्छी टूट जाएगी, तो इसको ज़्यादा मत मिक्स करना है। दोस्तों अच्छे से सुनो, इसको मिक्स नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही डाल के इसके ऊपर कैप डाल देना चाहिए। बस इसको अंदर के लिए प्रेस कर देना चाहिए, ये अंदर चले जाएगी। आप देख सकते हो हमने इसको ऐसा प्रेस करके छोड़ दिया है और इसके ऊपर कैप लगा दिया है। इसके 10 या 15 मिनट्स के बाद लो फ्लेम में इसको हमने रख लेना चाहिए। 10 या 15 मिनट्स के बाद इसको ऑफ कर देना चाहिए। आप देख सकते हो कि बबल्स आना शुरू हो गए हैं।
अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, जब हमें बबल्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दिख जाएगा। आप देख सकते हो बनने के बाद हमारा जो ग्रेवी है इतनी गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हो सारे बबल्स ख़त्म हो गए हैं। आप देख सकते हो पीस कितना अच्छा दिख रहा है। दोस्तों हमारा वीडियो तो बहुत लोगों देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लेना और शेयर भी करना। शुक्रिया दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो देखने के लिए शुक्रिया है। सब्सक्राइब करो और लाइक करो।